ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए दुबला, हम लोगों में बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोगों में 108 है, 108 दुबला गिन के इसमें फूल चावल देके मैं इसको फिर धागा में बांधी हूँ। इसको फिर चढ़ाएंगे, फिर इसको हस्बैंड जी को चढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू, मेरे YouTube चैनल नीतू के अंदाज में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले हैप्पी तीज फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी तीज लेडीज फ्रेंड्स। और आप लोगों ने मुझे पूछा था मेरी तबीयत कैसी है, तो पूरी ठीक तो नहीं हूँ, बट 50% ठीक हूँ फ्रेंड्स। और मैंने भी तीज का फास्टिंग रखा है, शाम को जाऊंगी मंदिर पूजा करने, और दिन भर जो भी करूंगी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं इस बार सारा कुछ फल फ्रूट्स मिठाई जो भी हो रहा है बाहर से मंगा के ही मैं पूजा कर रही हूँ फ्रेंड्स। मुझसे इस बार प्रसाद भी नहीं बनाया गया, इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ, जैसा हुआ बस वैसा ही कर रही हूँ मार्केट से जो लाके, जब जैसा वैसा करना पड़ता है, क्योंकि मुझसे खड़ा होना या बैठना पॉसिबल नहीं है। अभी बैठी हूँ तो मेरा दुख रहा है, ये लोग जबरदस्ती मुझे मेहंदी लगवा रहे हैं बच्चे लोग, कल गणेश पूजा है इन लोगों का ना, तो इसी वजह से। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाई नहीं हूँ, सब लोग मुझे पूछ भी रहे हैं कैसी है क्या है, तो एक वीडियो में बता भी देती हूँ और एक ब्लॉग भी छोटा सा डाल देती हूँ तीज पूजा का। हालांकि यहाँ पे वैसे पूजा नहीं होता है फ्रेंड, जैसे हम लोग के गांव में होता है, गांव तरफ जैसे होता है। बस मंदिर जाऊंगी, मंदिर में जो कर देंगे पंडित जी बस उतना ही, और बाकी मैं क्या क्या की हूँ क्या करूंगी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी नाइटी में हूँ, आप लोगों को शाम में साड़ी में मिलूंगी, इसलिए साड़ी में देखना है तो शाम तक का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे मैं बेलपत्ता काउंट कर रही हूँ फ्रेंड्स, गिन रही हूँ कितने बेलपत्ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए दुबला, हम लोगों में बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोगों में 108 है, 108 दुबला गिन के इसमें फूल चावल देके मैं इसको फिर धागा में बांधी हूँ। इसको फिर चढ़ाएंगे, फिर इसको हस्बैंड जी को चढ़ाते हैं, भोले बाबा को चढ़ाएंगे पहले। और बाकी यहाँ ये बेलपत्ता, 21 बेलपत्ता गिन के रखी हूँ, यहाँ भी एक्स्ट्रा है, यहाँ 21 गिन के रखी हूँ, यहाँ भी एक्स्ट्रा है इसको चढ़ाने के लिए। इसको भी चढ़ाना है 21, बाकी इसको फूल चावल के साथ चढ़ाने के लिए रख देती हूँ। अच्छे अच्छे को छाट के दुबला देखिए एक्स्ट्रा बच्चा है इसमें फूल के साथ, वहाँ मंदिर में छीटने के लिए, वहाँ तो पंडित जी ही छीटते हैं करते हैं। ये धूप दीप कपूर सब कुछ मैंने रख लिया है, फ्रूट्स वगैरह रखने हैं अभी रखी हूँ, आधा आधा कट करने अभी कटने की हूँ, कट भी करना है इसमें, गोटा गोटा लेके जाऊंगी बाकी यहाँ से कट करूंगी। ये फ्लावर अभी मार्केट से लेके आए हैं, लड्डू इधर, खीरा है, बाकी यहाँ सारे फ्रूट्स हैं जो भी रहते हैं, जो जो मिले मुझे, सेब अनार नाशपति केला अंगूर अमरूद। और इसमें मैंने देखिए रखा है गंगा जल मधुरस कच्चा दूध, कच्चा दूध अभी फ्रिज में डाली हूँ मैं, लेके जाऊंगी जब मंदिर लेके जाऊंगी। यही सब फ्रेंड्स मैंने जितना हुआ किया, बाकी कुछ बनाया नहीं है मैंने इस बार क्योंकि हो ही नहीं रहा है मेरे से, मैं इसी को लेके मंदिर जाऊंगी, भगवान भक्ति में है समर्पित भगवान को यही सब, और भगवान शक्ति दे मुझे भी अगले साल और अच्छे से करूंगी जैसा करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को शाम को मिलती हूँ। मैंने इतना जो भी किया है वो दिखा दिया आप लोगों को, अब शाम को मिलते हैं एक ही बार साड़ी में, या तो मंदिर में या फिर घर में, देखते हैं कैसा होता है। फाइनली मैं मंदिर आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, मैं घर में वीडियो बना नहीं पाई अभी रेडी होने के बाद,
अभी मंदिर में पूजा करने आई हूँ। लगभग 6 बज रहे होंगे और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मेरे देखिए साड़ी तो फिर हाँ पूजा करते हैं, अभी मंदिर में चलते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ मिलती हूँ। मंदिर में धूप दीप दिखा रही हूँ, बाहर ही दिखाया जाता है। देखिए निष्ठा कैसे घूम रही है दोनों हाथ पीछे करके घूम रही है मस्ती से। मस्ती तो बच्चे ही करते हैं हर फेस्टिवल, हर त्यौहार, मतलब हर चीज़ में, क्योंकि उम्र ही ऐसा होता है। देखिए शाम का समय है, कितना सुंदर लग रहा है, नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, मंदिर भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। कहाँ दिखाओ बेटा, भगवान को अंदर नहीं दिखाते हैं, चलो ये कौन भगवान है बताओ। और इधर प्रणाम नहीं किए, इधर जैसा कि देखा आप लोगों ने टाइटल में कि गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ हो गई फ्रेंड्स। मंदिर में पूजा नहीं कर पाई, घर में आके फिर मैं पूजा की, मंदिर में बस धूप बत्ती करके मैं चली आई, क्या करें भगवान की जो मर्जी वही करेंगे। और मैंने पूजा कर लिया, पूजा करने के टाइम मैं नहीं शूट की, क्योंकि मन नहीं करता है बार बार कैमरा उठाओ शूट करो, पूजा में थोड़ा ध्यान लगाने का मन करता है इसी वजह से, और उतना स्पेस यहाँ पर है नहीं कि कैमरा सेट कर दें। फाइनली पूजा पाठ हो गया फ्रेंड्स, मैं मंदिर गई थी बट मंदिर में पूजा हो नहीं पाया, बस मैं धूप दीप दिखा के चली आई, आके घर में पूजा की जैसे आप लोगों ने देखा, और पतिदेव की भी पूजा हो गई अब मैं भी चलती हूँ, चेंज वंज करूँगी, चूड़ी वगैरह तो आज नहीं खोल लूँगी क्योंकि आज नहीं खोलते हैं, बस साड़ी खोलूँगी, साड़ी चेंज करूँगी नाइटी में आऊँगी, थोड़ा रिलैक्स लगेगा। तो आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो भी हुआ दिखाया, मंदिर का भी थोड़ा दिखाया आप लोगों को, बाकी मंदिर में पूजा नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं कब से, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं पहले जाके करती थी, लेकिन बोले कि अब शाम को पूजा नहीं होता है, तो फिर मैं चली आई धूप दीप दिखा के घर में पूजा की। तो फिर आप लोग अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे से मैं कोशिश करूंगी वीडियो कंटिन्यू डालने की, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक हुई है, फिर भी देखती हूँ 4-5 दिन में एक वीडियो डालूंगी, जैसा भी होगा जो भी होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी तीज़।